हेलो एस्लेजे विलियम से, रिटेल क्लर्क बना पूरे डायमेंशन की होप, बना एक एडवेंचरर हीरो। एस ने अपना ज़्यादातर वक्त आर्मी ऑफ डार्कनेस से लड़ने में बिताया, जिसने बनाए थे खतरनाक क्रीचर्स जिन्हें कहते हैं डेडाइट्स। लेकिन आखिरी चीज़ जो एस को याद थी वो ये थी कि वो मर चुका है और उसे लगा कि वो स्वर्ग में है। लेकिन खतरनाक और जॉम्बीफाइड येलो सूट वाले से लड़ते वक्त उसने एस को पंच करके न्यू वर्ल्ड में भेज दिया था। दूसरी दुनिया में आने के बाद एस को पता चला कि ऐसे कॉस्ट्यूम पहनने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो क्राइम से लड़ते हैं। ये उसके लिए एक चमत्कार था। लेकिन जब येलो कॉस्ट्यूम वाला फिर से दिखा तब तक सारे मर चुके थे और उन्होंने दूसरे सुपर हीरोज को काट कर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना दिया था। और यहीं से कन्फ्यूजन की शुरुआत हुई। एस ने सोचा कि येलो कॉस्ट्यूम वाला ही डेडाइट है, लेकिन वो नहीं था। एस ने कोशिश की दुनिया को उन ज़ॉम्बीफाइड और सुपर हीरो कॉस्ट्यूम वाले कम्युनिटी से बचाने की, पर वो लोग डेडाइट नहीं बल्कि कुछ और ही थे। तब एस को स्पाइडरमैन ने अपने वेब ककून में बांध दिया और स्पाइडी को काट लिया कर्नल अमेरिका ने। तब एस जॉम्बीज के बीच में गिर गया। अब उसे ये पता चलने वाला था कि ये दुनिया अब मार्वल हीरोज की नहीं, बल्कि ये दुनिया अब बन चुकी है मार्वल जॉम्बीज की। स्पाइडी हॉकाई को काटते हुए कह रहा था, सभी लोग 3 कदम पीछे हटो और लंबी सांस लो, वरना मैं इस आर्चर का ब्रेन खा जाऊंगा और कोई भी हॉकाई को मरा हुआ नहीं देखना चाहेगा, है ना। उस पे ब्लैक विडो कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा नहीं करती। तब लूक केज और ब्लैक विडो उसे बताते हैं, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हम मर गए हैं और हम सांस नहीं लेते, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा टेस्ट बहुत ख़राब है। तब मिस मार्वल कहती है, हाँ ये सही कह रही है। उस पे स्पाइडी एश की तरफ बढ़कर कहता है, तो इस चिल्लाने वाले को मेरे लिए छोड़ दो। तब लूक केज उसे बताता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पर पूरी दुनिया पड़ी है खाने के लिए। उस पे स्पाइडी कहता है, एग्जैक्टली, ये तो सिर्फ एक आदमी है और मैंने इसे पूरा शहर घुमाया अपनी पीठ पर लेकर, पूरे रास्ते इसकी बकवास सुनी, इसलिए इसे मुझे सौंप दो। तब मिस मार्वल कहती है, ठीक है, आगे बढ़ो और हॉकाई को खा लो। खाने वाला एक मुंह बंद होगा तो हमारे लिए ज़्यादा खाना बचेगा, प्लस हमें यह पता चलेगा कि दिमाग रुकने से ये जो भी हमारे साथ हुआ है ये रुक सकता है या नहीं। तभी मौका देखकर ऐश वहाँ से निकलने लगता है, जिसपे लूक उसे पकड़कर उठाता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो। तब ऐश कहता है, मुझे जाने दो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ, मैं तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूँ इस डेडाइट की महामारी को रोकने के लिए। तब लूक कहता है, तुम गलत समझ रहे हो दोस्त, तुम हमें रोक नहीं सकते और हमें बचाने की जरूरत भी नहीं है। तब कर्नल अमेरिका लूक केज से कहता है, ठीक है, इसे नीचे रखो और कोई बहस नहीं, हमें क्लिंट की ज़रूरत है और हम अब भी एक टीम है, यहाँ तक कि अगर हमारी प्रायोरिटी चेंज हुई तब भी। और कर्नल आगे कहता है, ले जाओ स्पाइडी, तुम इसे अकेले ही खा सकते हो, तुम्हें बांटने की ज़रूरत नहीं है। तब स्पाइडी एस को अपने साथ लेकर चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर स्पाइडी कहता है, ठीक है, मुझे लगता है हम काफ़ी दूर आ चुके हैं अभी के लिए, और आगे पूछता है, तो हम कहाँ थे। तब एश स्पाइडी को पंच मारकर कहता है, जितना मुझे याद है तुम लंच प्लान बना रहे थे। और अपनी चेंसवा निकालकर स्पाइडी को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, जब एश्ले जे विलियम्स इस डेडाइट के कचरे के टुकड़े को वापस वही भेजेगा जहाँ से वो आया है, तभी स्पाइडी उसे बीच में रोककर कहता है, छोड़ो उसे पागल, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। और अपना मास्क हटाकर कहता है, देखो मुझे, मैं अब भी इंसान हूँ। तब एश पूछता है, अब भी इंसान हो, तो तुमने अपना मुंह तीर वाले के सर के ऊपर कैसे रखा था, क्या ये भी कोई सुपर स्पाइडर पावर है। तब स्पाइडी बताता है, नहीं, मुझे लगता है जब मैं ट्रैशबिन से टकराया तब मेरा जबड़ा डिसलोकेट हो गया और तुम्हारे उस पंच ने भी कोई खास मदद नहीं की उसे ठीक करने में। और वो अपने कंधे के घाव को देखकर कहता है, मेरी पावर ने मुझे कर्नल अमेरिका के बाइट से बचा रही है। और इतना कहकर वो अपना जबड़ा ठीक करता है और कहता है, जरा अपने आसपास हो देखो। तब उन दोनों को एक परछाई उनके पीछे से ऑब्जर्व कर रही थी। तब स्पाइडी नीचे देखकर कहता है, तुमने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा होगा, जहां हम देखते हैं मार्वल ज़ॉम्बीज टीम अप्स करके सबको मार रहे थे। और इसी के साथ शुरू होता है आज का एपिसोड। स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहां हम आज लेकर आए हैं मार्वल ज़ॉम्बीज वर्सेज आर्मी ऑफ डार्कनेस का सेकंड एपिसोड, जिसका नाम है मार्वल टीम अप्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले ले सके। और साथ ही आप अपने थॉट्स, इन्फॉर्मेशन, सजेशंस और एडवाइस हम तक कमेंट के जरिए पहुंचा सकते हैं। तो आपकी एक्साइटमेंट को ना बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो।
सबैश कहता है, मुझे लगता है ग्रैनी ने गलत दिन चुना था सैर के लिए। लगता नहीं जिसने भी बाहर कदम रखा वो सलामत होगा। तब स्पाइडी कहता है, तुमने सही कहा, और मेरी जेन और आंट मे का नाम लेकर वहाँ से चला जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना है ऐश, मुझे घर जाना होगा। तब ऐश कहता है, यह वापस आओ डरपोक स्पाइडर, और आगे कहता है, उसका क्या हुआ जो तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे नेक्रॉन नोमिकॉन को ढूंढने में और इन सब को ख़त्म करने में, और उसका क्या जो तुमने मुझसे कहा था कि मेरी आंखों के सामने कोई बेगुनाह नहीं मर सकता। तब पीछे से उसे ऑब्जर्व कर रही परछाई कहती है, ये न्यूयॉर्क सिटी है। और तब हम देखते हैं वो परछाई पनिशर था, जो अपनी गन लोड करके कहता है, और यह कोई बेगुनाह नहीं है। पनिशर आगे कहता है, तुम स्पाइडर के दोस्त हो? तब ऐश कहता है, ये तो आधी ही बात तुम्हें पता चली है। तब पनिशर कहता है, वैसा ही कुछ, और पूछता है, तुम इस चेन शॉक के साथ क्या कर रहे हो? उस पर ऐश कहता है, मैं यहाँ दुनिया को बचाने आया हूँ। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, नीचे वर्ल्ड वॉर एपोकैलिप चल रहा है, जॉम्बी फाइट सुपर क्रिप्स वहाँ सबको मार रहे हैं। तब पनिशर कहता है, हाँ मेरा अगला टारगेट वही है। तब पनिशर के पीछे जाते हुए ऐश कहता है, मुझे इन डेडाइट से निपटने के लिए पहले सुमेरियन बुक ऑफ डेड ढूंढनी है और इस सब को रिवर्स या फिर ठीक करने का रास्ता ढूंढना है। क्या मैं तुम्हारे इस लगेज से कुछ इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे बूम स्टिक उन एवेंजर जोकर की वजह से ख़राब हो गई है। तब पनिशर कहता है, मेरा नाम फ्रैंक है, पहले तुम मेरी मदद करो, तब मैं तुम्हारी मदद करूँगा वो बुक ढूंढने में। और पनिशर एक डोर पर एक्सप्लोजिव लगाने लगता है, जिस पे ऐश पूछता है, तुम्हारी मदद करूँ दोस्त? वहाँ दुनिया ख़त्म हो रही है और तुम्हें ये इंपॉर्टेंट लगता है? तब पनिशर कहता है, ये हाउस क्लीनिंग है, अब अपने कान बंद करो। धमाके में डोर उठ जाता है और पनिशर किंग पिन और उसके साथियों की तरफ गन लोड करता है। तब किंग पिन कहता है, इसे नीचे रखो हैमरहेड, मुझे नहीं लगा था कि मैं ये कहूँगा, पर तुम्हें देखकर अच्छा लगा कैसल। तब पनिशर बताता है, मुझे पता है तुम अपने साथियों के साथ यहाँ रेगुलर मीटिंग करते हो और अपने साथियों की बागडोर भी यहीं से संभालते हो। तब किंग पिन बताता है, इससे बाहर निकलो कैसल, तुम देख ही रहे हो कि बाहर क्या हो रहा है, रूल अब बदल चुका है, हम अब एक टीम में है, चोर पुलिस खेलने का वक्त चला गया है। जिस तेजी से यह फैल रहा है, हमें बचे हुए ह्यूमैनिटी के लिए लड़ना होगा, हम अब एक ही टीम में है, हमारे खिलाफ वो खड़े हैं, इंसान वर्सेस जॉम्बीज। तब पनिशर कहता है, मुझे नहीं लगता, और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम इंसान नहीं हो। और किंग पिन और उसके साथियों पर गोलियाँ चलाकर उन्हें मार देता है। तब ऐश ये देखकर हैरान होकर पूछता है, मुझे लगा था तुम अच्छे इंसान हो, है ना? तब पनिशर कहता है, बिल्कुल, और अब उन डेडाइट्स की बारी। तब ऐश और पनिशर बाहर के हालात देखकर कहते हैं, तुम सही थे। उस पर ऐश कहता है, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ मची है और ये फैल रहा है पूरी तेजी के साथ। तब पनिशर कहता है, हमें इसके लिए और गन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और आगे कहता है, मेरा बैग पकड़ो, मेरे पास इतना फायर पावर है कि वो आधे मैनहट्टन के लिए काफ़ी होगा। जब मैं कहूँ तो दो फ्रेश क्लिप्स मेरी तरफ फेंकना, जब मैं उनके बीच में से गुजरूँ तो दो और फेंकना, और ऐसे ही करते रहना। तब ऐश कहता है, रुको, तुम मुझे ऑर्डर दोगे? लगता है तुमने लीडिंग मैन और मददगार के लिए गलत कास्टिंग की है। तुम मुझे सुन भी रहे हो या नहीं? लोग तुम्हें फ्रैंक के अलावा क्या कहते हैं? उस पर वो कहता है कि द पनिशर। तब ऐश कहता है, हाँ वो कहते होंगे, अब मेरी बात सुनो, हम ये नहीं कर सकते। तभी पनिशर बाहर थंडरबॉल को जॉम्बीज के बीच में लड़ता देखता है और कहता है, मैं इस आदमी से मिला हूँ, ये पावर बॉल या ऐसा ही कुछ है, और वो इन्फेक्टेड भी नहीं है। तब थंडरबॉल जॉम्बीज को पीछे हटने को कह रहा था और डर के मारे उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। पनिशर आगे बढ़ के कहता है, फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी क्रिमिनल है और इसे भी मरना होगा। इतना कहकर वो सबको मारने लगता है, लेकिन उन जॉम्बी में से कुछ पर उसका कुछ असर नहीं होता। तब पनिशर ऐश से बंदूक मांगता है, लेकिन ऐश वहाँ से जा चुका था। तब वो लोग पनिशर को मार देते हैं। ऐश तब गन से भरा बैग लेकर वहाँ से दूर भाग रहा था और कह रहा था, ये पूरी दुनिया पागलों से भरी पड़ी है, शायद वो पागलपन डेडाइट बनने से पहले दिखाते हैं। उन सुपर लूजर्स से दूर रहने का मेरा फैसला सही था और अब मैं ये खुद करूँगा। ऐश विलियम के साथ ऐश विलियम काम करेगा, और वो एक गली पास करके आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वापस आता है और उसे उस गली में कुछ दिखाई देता है। उस गली में विंटर सोल्जर किसी लड़की को खाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, गिव मी सम शुगर। तब ऐश विंटर सोल्जर का सर उड़ाकर कहता है, ये मेरी लाइन है। तब वो लड़की उसे थैंक्स कहकर बकी की डेड बॉडी की तरफ देखती है। तब ऐश कहता है, डबल बैरल बूम स्टिक ब्लास्ट उसके सर के आर पार हो गया है,
चिंता मत करो, वो उठ नहीं पाएगा। तब वो लड़की अपना नाम एलिसर ब्लेयर बताती है और कहती है, लोग मुझे डैजलर कहते हैं। तब ऐश कहता है, वो सही कहते हैं, और उसे छेड़ने की कोशिश करता है और आगे कहता है कि मेरा नाम ऐश है और मैं सिर्फ जॉम्बी के काटने के निशान चेक कर रहा था। तुम अगले 5 मिनट में इस फ्लैश हीटर जैसे बन जाओगी, जो औरों के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती? पहले ही अर्थ माइटेस्ट हीरो जॉम्बी बन चुके हैं। तब वो लड़की अपने दोस्तों की चिंता करके रोने लगती है। ऐश से पूछती है, क्या सच में ये दुनिया का अंत है? तब ऐश कहता है, हाँ ये सही है, ये दुनिया खत्म होगी और आर्मी ऑफ डेड जी उठेगी। तब डैजलर पूछती है, इस दुनिया से तुम्हारा क्या मतलब है? तब ऐश कहता है, तुम यकीन नहीं करोगी, ये सब पागलपन हुआ है एक बुक की वजह से। मैं भी यकीन नहीं करता अगर मैं इससे नहीं गुजरता। जिसे नेक्रोनोमिकॉन कहते हैं, उसने मुझे समय में पीछे और आगे भेजा अलग अलग दुनिया में। एक बार वो बुक मेरे हाथ में लग गई तो कुछ अजीब नहीं होगा। तुम्हें विश्वास नहीं हुआ है ना? तब डैजलर कहती है, ये सुनने में तो अजीब है, पर जो हो रहा है उससे ज़्यादा अजीब नहीं। और तुमने मेरी जान भी बचाई है। तुम वो मैजिक बुक तुम्हारे हाथ लगने पर तुम सब ठीक कर दोगे, तब तो ये आसान है। ऐश कहता है, मैं नेक्रोनोमिकॉन से कम ही लड़ा हूँ, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। तब डैजलर स्ट्रीट बोर्ड देकर कहती है, ग्रीनविच विलेज हम पास ही है, जल्दी चलो। वो रहा आगे और एक घर के सामने आकर कहती है, ये रहा सॉर्सरर सुप्रीम स्टीवन स्टेंज का सेक्टम सेक्टोरियम। तब ऐश कहता है, इस सुपर हीरो का नाम कुछ ज़्यादा ही अजीब है। डैजलर कहती है, वो खिड़की देखो, वो घर में ही है। तब ऐश पूछता है, कौन? उस पर डैजलर बताती है, स्टीफन स्ट्रेंज, जिन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज भी कहते हैं। वो मैजिक के बारे में इस अर्थ में सबसे ज़्यादा जानते हैं। अगर वो बुक उनके पास नहीं हुई तो वो जानते होंगे कि वो कहाँ मिलेगी। तभी ऐश को कोई पकड़ कर पीछे खींचता है। डैजलर आगे बताती है, और अगर नेक्रोनोमिकॉन इसके पीछे है जैसा कि तुम कह रहे हो, तो हम बस एक कदम दूर है इस दुनिया को बचाने से। क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? और वो पीछे देखती है। तब वो देखती है, जॉम्बी हावर्ड द डक ऐश को खाते हुए कह रहा था, इसका टेस्ट चिकन जैसा है।